हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं रूप्स यूनिवर्स। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ दिल्ली के एक हिस्टोरिकल प्लेस पर जिसका नाम है राजघाट। राजघाट यमुना नदी के किनारे महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित है। एंट्री करते ही आपको यहाँ पर गांधी जी की एक बड़ी मूर्ति नजर आएगी। स्टैच्यू के जस्ट सामने कैफेटेरिया नजर आ जाएगा, जहाँ जो कि वेजिटेरियन है, फुल वेजिटेरियन कैफेटेरिया है। आप यहाँ पर यह मेनू देख सकते हैं। टी, कॉफी, ये सब पीने के लिए यहाँ पर है। जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर पहले टी कॉफी, और अगर उन्हें भूख लगी हो तो थाली भी मिलता है यहाँ पर, तो वो पहले अपना नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद राजघाट की ओर बढ़ते हैं। रोड क्रॉस करते ही आपको राजघाट का मेन एंट्रेंस मिल जाएगा। जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ पर एक्चुअली पार्किंग होती है सारी गाड़ियों की और कैफेटेरिया है। उसके बाद ये रोड हमें क्रॉस करना पड़ता है और उसके बाद हमें मेन एंट्रेंस मिलता है राजघाट की ओर। ये है मेन एंट्री गेट और फिर यहाँ से हम अंदर की ओर जाएंगे। अंदर पहले सिक्योरिटी हमें चेक करते हैं, उसके बाद ही अंदर जाने देते हैं। क्योंकि कोविड का समय चल रहा है तो हमें प्रॉपर प्रिकॉशन लेके ही अंदर जाना अलाउड है। सामने है किसान घाट और यहाँ पर समाधि है चौधरी चरण सिंह जी की। ये स्मारक पूरे काले संगमरमर से बनाई गई है। आगे जाके आप गांधी जी के भी स्मारक देखेंगे जो कि बहुत ही सुंदर बनाई गई है। अब हम चल पड़े हैं गांधी जी की समाधि की ओर। चारों तरफ आपको यहाँ हरियाली ही हरियाली मिलेगी और ये बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है। मैं आपको एंट्री फी के बारे में बताना तो भूल ही गई। एक्चुअली यहाँ पर एंट्री फी कुछ भी नहीं है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है तो आराम से आप कितना भी देर यहाँ पर घूम सकते हैं विदाउट एनी फी। समाधि की ओर जाने से पहले यहाँ आपको जूते खोलने होते हैं और तब आपको आगे बढ़ना होता है। इस बड़े से एरिया को पूरा चारों तरफ से घेर दिया गया है और बीच में उनकी स्मारक है।
ये दिल्ली का सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन है, यानी कि आकर्षण है, जो रोज हजारों पर्यटकों को यानी टूरिस्ट को यहाँ पर आने पे मजबूर कर देता है। यह स्मारक काले संगमरमर से बनी हुई है। उनके स्मारक के चारों तरफ हरे भरे लॉन है। मृत्यु से पहले गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे, जो उनकी समाधि पर अंकित है। बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक भी सुनाई देगा, ईश्वरे अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। आई नो अच्छा नहीं गाया, बट सह लेना थोड़ा। ऊपर जाके आपको ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा गार्डन है यहाँ पर। ग्रीनरी तो आप पूछो ही मत। ठंड के मौसम में यहाँ बैठ के धूप खाना बहुत ही अच्छा लगता है। आगे जाके आप इंदिरा गांधी जी की समाधि और राजीव गांधी जी की समाधि देखेंगे। यह है वीर भूमि और यहां पर सभी वीरों के नाम लिखे गए हैं। इस पूरे प्लेस को काफी मेंटेन किया गया है। यहाँ पर काफी लोग लगे रहते हैं साफ सफाई करने के लिए। यहाँ पर आप एक लेक भी देखेंगे। आगे जाके आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। अब हम जा रहे हैं इंदिरा गांधी जी की समाधि के वहां। यहां आप देख सकते हैं बहुत सुंदर और बहुत ज्यादा बर्ड्स यहां पर बैठे रहते हैं। यहाँ पर इस अजीबोगरीब से चीज को देखकर भी मुझे बहुत मजा आया। एक बात तो है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है और बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। तो ये था मेरा राजघाट का ट्रिप। जल्द ही आने वाला है रणथंभौर का ट्रिप। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। तब तक के लिए बाय।